अभी अपने दोस्तों के साथ हम लोग निकले हैं अच्छा ब्रो हाय हाय। अभी यहाँ पे हैदराबाद में हम लोग गच्चीबौली के फ्लाईओवर के पास में आए। आप कहीं पे भी हो तो यहाँ से मतलब ओ आर आर आके आप वहाँ से जाना बहुत ईजी रहेगा। बताएंगे रास्ते में रात में ही निकलना था पर नहीं निकल पाया क्योंकि वहाँ पे बीच में रोक देते हैं जंगल के पास। तो हम लोग क्या किया कि सुबह में जाएंगे और पूरा चले जाएंगे। ठीक है तो अभी 5 जन है। अन्ना अन्ना ना नरेश सत्यम ब्रो मायसेल्फ मेसी। तो अभी आगे मिलेंगे। कभी कभी ऐसा मजाक होता रहता है। अभी मैंने बहुत ज्यादा फांसर दे दिया और हमारा रिकॉर्डिंग चालू नहीं था। अभी हम लोग फिलहाल ORR पे और टाइम क्या हो रहा है? टाइम 2:57 हो रहा है। ठीक है यहाँ से निकले हैं और यहाँ से हमारी शुरू होती है 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा। ठीक है गाड़ियाँ रुकी हुई है पता नहीं क्या हुआ है क्यों यहाँ बीच में रोक दिए। अभी यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर जाना था अपने को। मुझे लग रहा है काफी समय से रुका हुआ है। भैया काय को रोक दिया इधर कुछ आगे हो गया क्या? नहीं नहीं फॉरेस्ट एरिया रहता बंद रहता। अच्छा सुबह के बाद खुलता गेट। अच्छा 6 बजे थैंक यू भैया यानी 6 बजे को खुलेगा वही एरिया है। आगे फॉरेस्ट एरिया है इसलिए रोक दिया। इसी वजह से हम लोग पहले निकले थे मतलब लेट निकले थे 2 बजे की। चलो जाते जाते समय हो जाएगा तो अपना निकल जाएंगे लेकिन फिर अभी यहाँ पे रुके 6 बजे छोड़ेंगे हम लोग। थोड़ा टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा 5 बज गए। 1 घंटे में निकल जाएंगे यहाँ से। सब साइड लगा के सो गए। सत्यम ब्रो बोला था लेट करके जाएंगे रोक दिया ना। और लेट कहाँ करेंगे यार। मैं सोचा 4 बजे जाएंगे तो आराम से टाइम पे पहुंच जाएंगे पर इधर आके फिर रुक दिए 6 बजे छोड़ेंगे। ठीक है जंगल में जो मंगल है मेरे तेलुगु अर्धा भाषा हिंदी अर्धा भाषा अर्धा भाषा बोल। जंगल में जो मंगल है ना ये यहाँ जगह पे मिलेगा यहीं पे यहाँ पे मंगल करेंगे। उतना नहीं आता थोड़ा नहीं बताओ। आज ड्राइविंग करने में बहुत मजा आ रहा है। स्पीड काफी ज्यादा बढ़ गई है पता नहीं कितने लोग जा रहे हैं आज हम लोग अच्छे से दर्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ब्रो फॉरेस्ट नेम ब्रो चेक पोस्ट है यहाँ से जंगल स्टार्ट हो जाता है। पास के हमें कोई शेर देखने को मिल जाए। अरे भैया बंदर तो मिला देखने के लिए मोबाइल छीन के लेकर भाग जाता है। हेलो कह रहा जा भोसड़ी तो हमारे लोग गाड़ी से आ रहे पीछे हम लोग पैदल पैदल आ गए इधर। अच्छा भैया ये चेक पोस्ट है ये शाड़ा बन रहा शाड़ पति दिखा रहा है आगे जाके। तो भाई लोग कभी भी जाना है ना तो आप मैप में देख लो और जंगल के चेक पोस्ट पे जाने से पहले मतलब कि 10 बजे से पहले वो क्रॉस कर लो तभी आपको जंगल में जानवर देखने को मिल सकते हैं। फाइनली हम लोग श्री सैलम डैम पे आ गए पर ये गेट खुला नहीं है। सत्यम ब्रो अरे गेट काहे को नहीं खुला उधर? अरे गेट फोन कर रहा हूँ मैं अभी बोलने के लिए। अच्छा ऐसा
ये टाइगर नहीं खुला उधर एक गेट गेट पानी ले दू स्टॉक पानी ले दू स्टॉक ओके ओके तो अभी मैं अपने दोस्त के साथ अभी 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 पता चला हमारे साथ एक मूवी का प्रोड्यूसर भी है ना ये देखो अब मूवी विच मूवी है ना राधा माधव राधा माधव और कब आता नवंबर 3 नवंबर को आता अपन जाएंगे देखने अभी जाओ देखने राधा माधव तेलुगु हिंदी तेलुगु हिंदी में भी रिलीज होने वाला है पहले तेलुगु में होने के बाद सून हिंदी ऑल्सो मैं डब करके डालता हिंदी में ब्रो विच प्लेस इट इज सत्यम ब्रो This is Sri Shaila temple, the entrance, right? We are stuck in the parking, you know, we are, right now we want to go inside yes, the temple, but before that, we need to get fresh up, right? Right. Mm-hmm. My young heroes are there. Yeah, this is our hero for today. Today's hero. Anna, oh, Puspa. Puspa Jara hai bahar. तो भाई लोग ये एक चौराहा है और यहीं से गाड़ियां पार्किंग के लिए भेजी जाती हैं कई सारी पार्किंग और उस दिन जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन काफी ज्यादा भीड़ थी जिसके वजह से पार्किंग करने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है को पता होगा बहुत दिन पहले मैंने अपने इंस्टा पे यहाँ का एक रील अपलोड किया था जिस टाइम पे मैं गया था वो मतलब मैं अपने कार से नहीं जाके वो बस से गया था वहाँ पे तो इसको वजह से वहाँ मतलब काफ़ी अच्छा था और सच में अगर आप जाते हैं इस टाइम पे रेनी सीजन में जाएंगे तो कितना अच्छा मौसम देखने को यहाँ पे मिलेगा और यहीं से सीधा ORR है ना ORR पकड़ के हम लोग यहाँ पे आए थे क्योंकि हमको रेडी भी होना था और कोई धर्मशाला वगैरह देखना था धर्मशाला काफ़ी नो फुल था पैसे भी ज़्यादा ले रहे थे लेकिन अब रेडी होना था तो कहीं ना कहीं तो धर्मशाला में जाना ही था तो आगे हम गए धर्मशाला में रेडी होने के लिए ये हमारा धर्मशाला है जहाँ पे हमने स्टे करा एक घंटे के लिए एक आदमी का 100 रुपये पहुँचने के बाद हम लोगों ने नहा के अपना सेटअप कर लिया और धीरे धीरे सेट हो रहा है जाने के लिए यहाँ पे तो अभी इसके बाद कौन सा मंदिर जाना मल्लिकार्जुन उसके बाद जाएंगे अपन कितने थे जाएंगे गाइस तो अभी हम लोग रेडी हो गए नहा धो के कपड़े पहन लिए जा रहे हैं साक्षी गणपति का दर्शन करने के बाद फिर वापस आएंगे मल्लिकार्जुन जी का दर्शन करने ठीक है तो अभी कितना दूर है यहाँ से ब्रो 3 किलोमीटर कार से जाएंगे फिर कार से ही आना है ये अच्छी बात है फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं गणपति टेम्पल पे ओके और यहाँ पे दर्शन करने के बाद पता नहीं मोबाइल अलाउ होगा कि नहीं होगा तो अंदर वैसे भी पूजा करना है तो क्या ही वीडियो दिखाना है तो यहाँ से अब दर्शन करने के बाद आगे बढ़ेंगे ये गणपति भगवान का मंदिर है आगे तक कोई अलाउड नहीं था यहाँ पे जाके ये लाइन से दर्शन करके वापस चले जाना होता है बहुत ही अच्छी व्यवस्था किया गया यहाँ पे बहुत अच्छा दर्शन कर लिए हम यहाँ से दर्शन करने के बाद आप श्री शैलम मल्लिकार्जुन जी का दर्शन करने जा रहे हैं राइट ब्रो यस और उधर जाके हमको ये क्या व्हाइट वाला सही है मजाक कर रहे पहले बता दो व्हाइट वाला सही है मजाक कर रहे इसमें ब्लॉग में डालना है व्हाइट कंपल्सरी ओके फिर ऐसा मतलब आपको अगर अंदर जाना है तो पंचम मतलब धोती पहनना पड़ेगा ऊपर आप कोई भी एक अच्छा कलर का शर्ट पहन सकते हैं आराम से जाके दर्शन कर सकते हैं
तो अभी जाएंगे उधर भी मोबाइल अलाउ नहीं है तो बाहर तक ही दिखा पाएंगे, अंदर हम वैसे भी मोबाइल ले जाना नहीं चाहेंगे क्योंकि सब कुछ भूल के हम भक्ति करते हैं, भगवान से कुछ मांगते हैं, सबके लिए मांगते हैं लेकिन सबसे पहले अपने लिए मांगते हैं। ठीक है, एंट्रेंस गेट कौन सा है ब्रो? सत्यम ब्रो एक बार एंट्रेंस गेट बताइए। यस यस एंट्रेंस। विच वन इज एंट्रेंस? पहले तो मुझे ही नहीं मालूम। पुलिस रिकॉर्ड। अच्छा आपको नहीं मालूम? जल्दी मुंबई पता है। हाँ जाएंगे। ओके तो ये तरफ हम ना हम लोग इधर की जा रहे हैं। ये एक आदमी को पूछना पड़ेगा। मेरे अकॉर्डिंग राइट साइड है क्योंकि मैं लास्ट टाइम गया था तो इधर ही लेके गया था जीप वाला। हाँ। तो राइट साइड है उस तरफ लगा इस तरफ। राइट नहीं नहीं कैमरा इस तरफ लगा। हाँ। तो यहाँ पर साइनेज प्रॉपरली बोर्ड सही है, बहुत कंफ्यूजन है। हाँ। हम लोग अभी किसी को पूछ ले तो जाना पड़ेगा। फाइनली गाड़ी पार करने के बाद हम लोग आ गए। सामने हमारे को मंदिर दिख रहा है, यहाँ से मेन गेट है। वेंकटेश ब्रो मेन गेट है? मेन गेट है ना? हाँ। तो अभी मेन गेट एंट्रेंस टेंपल का मेन गेट एंट्रेंस अपने को मिल गया और पता नहीं कहाँ तक हमारा मोबाइल अलाउड रहेगा, वहाँ तक रहेगा तहाँ तक वीडियो बनेगा, नहीं रहेगा वहाँ तक जय भगवान जय राम जी की हर महादेव ओम नमः शिवाय। दर्शन कर लिया है, बहुत ज्यादा वेट करने के बाद कितने घंटे वेट किए ब्रो? एंता आवर्स 4 घंटे वेट करने के बाद हाथ लेके आए आपके प्रसादम। कितने का एक मिला? 20 रुपए। 20 रुपए का एक लड्डू मिला यहाँ पे प्रसाद। तो अब दर्शन हो गए हैं, खाना वाना खाएंगे। भूख बहुत जोर की लगी है यार, मैं बिना खाए तभी से दर्शन क्लियर हुआ था, पर दर्शन अच्छा हुआ। कुछ बातें हैं बतानी है आप लोगों से, शेयर करनी है अबाउट दिस टेम्पल। टॉक यू लेटर। सो फाइनली गाइस पूरे कितने 2 से अभी कितने बज रहे, क्या टाइम हो रहा है? 5। दो उधर और 5, 2 से अब हम निकल रहे हैं यहाँ से फिर वापस अपने घर के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। तेलुगु लो चपंडी चैनल सब्सक्राइब करो। ठीक है चॉइस चैनल सब्सक्राइब कौन सा नाम है? चॉइस चुस्की। चॉइस चुस्की हाँ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इंडिया ना। ओके अभी आप बताओ नेक्स्ट टाइम कहाँ का ज्योतिर्लिंग देखना चाहते हैं तो वहाँ पे जाएंगे। ठीक है तब तक।